अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मंच पर आसीन हमारे केवल देश के नेतृत्व करने वाले नहीं, लेकिन विश्व पटल पर भारत को एक नक्षत्र की तरह उभारने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण संजीव बलियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के यहाँ उपस्थित समस्त हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अंतुल तेवतिया जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, अमित चौधरी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, और इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की लाखों की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम। आज जेवर के इस जनता के आंखों में एक नई चमक दिख रही है। जेवर और आसपास के जिलों की जनता, युवाओं में एक नई चमक दिख रही है, एक चमक सपना पूरा होने की, एक चमक। और वो चमक इसलिए केवल है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना आपका आपने देखा था, उस सपने को साकार लेने का जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नागर विमानन मंत्रालय को दी थी, उस जिम्मेदारी को संपन्न करने के लिए समस्त उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री जी इस नए हवाई अड्डे को देश की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रदेश है। जर्मनी, यूके और फ्रांस की आबादी से भी ज्यादा हमारा प्रदेश है। और आज इस प्रदेश की समता, जहां गंगा और यमुना की नदियां, पवित्र नदियां बहती हैं, जहां क्षमता है संस्कृति की, पर्यटन की, जहां क्षमता है औद्योगिक विकास की, उस क्षमताओं का प्रदेश जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विश्व पटल पर उजागर करना होगा, उस संकल्प को आज एक तरीके से पूरा किया जा रहा है इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के समारोह के द्वारा, जहां भारत का नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। इस हवाई अड्डे का बहुत पुराना इतिहास है, एक संघर्ष का इतिहास है, लेकिन आज एक दिवस, इस दिवस पर, इस माटी पर 34,000 करोड़ का निवेश आने वाले दिनों में होने वाला है। 2024 तक पहला फेज पूरा होगा, करीब करीब 120 लाख यात्रियों का आवागमन होगा, और अंतिम चरण तक ये एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट से भी आगे जाएगा और देश का प्रथम एयरपोर्ट बनेगा। मेरे भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री जी का सपना था, और आज जो उनकी सोच है गति शक्ति परियोजना के तहत, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत, जेवर को रोड, रेल और बस और मेट्रो के साथ भी जोड़ा जाएगा, ताकि देश की राजधानी इस क्षेत्र के साथ समीप्त हो पाएगी। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है इस एयरपोर्ट के तहत, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1,00,000 रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे, और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, फैक्ट्रियां लगेंगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश है, जो धार्मिक प्रदेश है, आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। आज इतना ही मैं कहना चाहता हूँ
कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, 70 साल में अनेकों सरकार ने मिलकर देश में केवल 74 एयरपोर्ट बनाए, और प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 7 साल के अंदर अतिरिक्त 62 एयरपोर्ट बनाकर देश में 136 एयरपोर्ट बने हैं। और वही स्थिति हमारी उत्तर प्रदेश की है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, आज के दिवस पर 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं। ये 10वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है और आने वाले समय में 17 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते थे, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। कुशीनगर बन चुका, जेवर का आज शिलान्यास, और अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जिस उत्तर प्रदेश में केवल 25 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदेश के आधार पर, आज 80 शहरों के साथ उत्तर प्रदेश 7 सालों के अंदर जुड़ चुका है। तो आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि रनवे पर प्लेन और पटरी पर ट्रेन, रनवे और पर प्लेन, पटरी पर ट्रेन, एक्सप्रेस पे वे दौड़ती हुई गाड़ी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचार जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और भारत की नई पहचान होनी चाहिए। पुरानी कहावत है कि जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। और संकल्प जब लिया जाता है, महत्वाकांक्षी संकल्प, ये एक उदाहरण है प्रधानमंत्री जी का, एक महत्वाकांक्षी संकल्प का जो आज साकार हो रहा है। मैं अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आप सबको दिल के गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत माता की, धन्यवाद, जय हिंद।